नमो नमः। अद्य अजन्तपुल्लिंग प्रकरणे प्रत्ययस्य लुक्ष्लु लुपः वृत्तिः। लुक्ष्लु लुपः शब्दः कृतं प्रत्ययस्य दर्शनं क्रमात् तत्सत् संज्ञं स्यात्। सूत्रस्य अस्य व्याख्या एकवारं दर्शनीयं पठनीयम्। अदर्शनं लोपः इत्यनुवर्तते, अर्थात् प्रत्ययलोपः अदर्शनं लुक्ष्लु लुप इत्युच्चार्य विहितं तद्यथासंख्यपरिभाषया क्रमात् लुक्ष्लु लुप संज्ञम स्यादिति लभ्यते। अर्थात हिंदी भाषायां एकवारं अर्थम अदर्शनम लोपः इस सूत्र से अदर्शन की लोप संख्या की गई थी। वही अदर्शन यदि लुक्ष्लु लुप शब्दों के द्वारा प्रत्यय के विषय में किया जाए तो उस अदर्शन की क्रमानुसार लुक्ष्लु लुप संज्ञा होती है। लुक्च श्लुच लुप्च इति लुक्ष्लु लुपः। यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व समास है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार से किए गए प्रत्ययों का अदर्शन भिन्न भिन्न संज्ञाओं से ही जाना जाता है। जैसे षड्भ्यो लुक, यहाँ किया गया लोप लुक संज्ञा से जाना जाएगा। अनंतरम षड्भ्यो लुक वृत्ति, षड्भ्यः परयो जश्शसोर् लुक् स्यात् इति। अर्थात षट संज्ञक शब्दों से पर में रहने वाले जस और शस प्रत्ययों का लुक अर्थात लोप हो जाता है। अनंतरम प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम्। इदं सूत्रम संज्ञा अथ च नियम सूत्रात्मकम्। वृत्ति, प्रत्ययलोपे अपि तदाश्रितं कार्यं स्यादिति। अर्थात प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी प्रत्यय निमित्तक तदाश्रित कार्य होता है। जैसे नित्य बहुवचनांत कति शब्द से जस प्रत्यय करने पर षड्भ्यो लुक, षड्भ्यो लुक से जस लोप हो जाने पर जसी च से गुण का प्राप्त होना, न लुमतांगस्य वृत्ति, लुक्ष्लु लुप एते लुमंतः, लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तमंग कार्यम न स्यादिति। यथा कति, अर्थात लुक्ष्लु लुप से लुमान हैं, लुक्ष्लु लुप ये लुमान हैं। लुमान शब्द से प्रत्यय का लोप हुआ हो वहाँ लुप्त प्रत्यय निमित्त कार्य नहीं होता है। जैसे कति, यह प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का निषेध है। कति
नित्य बहुवचनांतात शब्दात प्रथमा द्वितीययो जश्शसो कति जस शस षड्व्यो लुक इति जश्शसोर लुकि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इत्यनेन नियमेन जसी च इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते परम न लुम्तांगस्य इत्यनेन तन्निमित्तमंग कार्य निषेधे कृते कति इति रूपम सिद्धम् एवमेव कतिभिः कतिभ्यः कतिभ्यः कतीनाम कतिषु इत्येतानि रूपाणि अपि साधनीयानि। प्रथमं कतिभिः इत्यत्र कति इति नित्य बहुवचनांतात शब्दात भिसि अर्थात भिस प्रत्यये कति शब्दात भिस इति जाते सस्य रुत्वे विसर्गे कतिभिः इति रूपम्। कतिभ्य इत्यत्र कति इति नित्य बहुवचनांतात चतुर्थी बहुवचने भ्यसि प्रत्यये सस्य रुत्वे विसर्गे कतिभ्य इति रूपम्। कतीनाम इत्यत्र नित्य बहुवचनांतात षष्ठ्यां बहुवचने आम विभक्तौ कति आम इति जाते ह्रस्व नद्यापो नुट इति सूत्रेण नुटी प्रत्यय अनुबंध लोपे नामी इत्यनेन दीर्घे कति नाम इति रूपम्। कतिषु इत्यत्र कति इति नित्य बहुवचनांतात सप्तम्यां सुप प्रत्यये आदेश प्रत्ययोः इति मूर्धन्य शकारे कतिषु इति रूपं सिद्धम्। अस्तु, नमो नमः।